हाउ टू एक्टिवेट बी एस एन एल सिम इन कुवैत। ठीक है, अगर आप लोग इंडिया से गलती से मिस्टेक से वहाँ पर लेके चला जाता है, इंटरनेशनल एक्टिवेट नहीं कराता है और वगैरह वगैरह बहुत सारा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को बैंक से लिंक है, गूगल पे, पेटीएम, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह मेरे से मैसेज करते भाई हम लोग बी एस एन एल प्रीपेड सिम कार्ड लेके आया नॉर्मल और हम लोग एक्टिवेट कर नहीं पा रहा, यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसके कारण रीज़न क्या है, क्या उसी सिम अगर आप लोग कुवैत में लेके गया वही सिम क्या एक्टिवेट होगा नहीं होगा, आज के इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा मैं वीडियो बनाया हूँ और वीडियो को देखने से पहले मैं फ्रेंड ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को देख रहे, नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिए ताकि वीडियो डालने के बाद आप लोगों के पास पहुँचे, आप लोग सही टाइम में देख सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारा लोग ने सोचते हैं कि भाई बी एस एन एल का जो सिम कार्ड आप लोग एक बार जब कुवैत में जा रहा है तो बहुत सारा लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अगर नेटवर्क वहाँ पर भी जाएगा तो नेटवर्क आ जाएगा और काफ़ी सारे लोगों को बैंक से लिंक है, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह से लिंक है और मुझसे मैसेज करते हैं भाई ओटीपी के लिए चाहिए हमको सिर्फ ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो देखिए मैं जियो, वी आई, एयरटेल ये सब के विषय में काफ़ी सारा वीडियो बनाया है। ठीक है, बी एस एन एल का ये सब का जो बी एस एन एल का सर्विस अलग है और ये सब जो तीन कंपनी का सिम कार्ड वो सब का सर्विस अलग है। अगर वो सब सिम कार्ड भी आप गलती से मिस्टेक से लेके चला जाता तो वहाँ पर कभी कभार नेटवर्क भी आ जाता है, आप अगर नहीं आएगा तो आपको इंटरनेशनल पैक भर आएगा तो भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, देखिए बी एस एन एल का ऐसा नहीं है, बी एस एन एल का आपको मैं अगर बताऊँगा तो आप लोग बोलेगा भाई ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी बी एस एन एल का इंटरनेशनल सिम कार्ड लिया है इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करो, आप लोग ऐसा ही नेक्स्ट टाइम आएगा तो ऐसा एक्टिवेट करके यूज़ कर सके। ठीक है, बी एस एन एल का सिस्टम क्या है, देखिए बी एस एन एल एक सरकारी सिम कार्ड है, इसका भी सर्विस बहुत ही अच्छा बेटर है। ठीक है, सबका अलग अलग सर्विस होता है, तो आप लोग जो मिस्टेक से गलती से कुवैत में बी एस एन एल सिम कार्ड प्रीपेड सिम कार्ड जो नॉर्मल आप इंडिया में यूज़ करते थे और कुवैत में लेके गया तो आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, एक्टिवेट कर नहीं पा रहे, इसका कारण क्या होता है, देखिए आपको वापस आना पड़ेगा इंडिया पर, आके आपको बी एस एन एल ऑफिस में, कोई भी आप स्टेट में रहते हैं इंडिया के अंदर, बी एस एन एल ऑफिस में जाके आपको पासपोर्ट जेरोक्स देना है और दो कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो दे के आपको एक बी एस एन एल डुअल सिम कार्ड देगा, आपको लिखा रहता है बी एस एन एल सिम कार्ड में और ये इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिम कार्ड। ठीक है, इसके बाद 3-4 घंटा में अगर एक्टिवेट हो गया, इसके बाद आपको जगह का नाम बताना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट देगा, डॉक्यूमेंट देने का टाइम आपको पूछेगा आप कौन सा कंट्री में जाने वाला, कौन सा इंटरनेशनल में अब्रॉड में ट्रैवल करने वाला, तो आपको उसमें कुवैत का नाम बताना है और तुरंत ही आपको 4-5 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इस जो सिम कार्ड है बी एस एन एल इंटरनेशनल प्रीपेड सिम कार्ड लेके आप कुवैत में जाके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग बोलेगा भाई हम लोग तो लेके आ गया कुवैत में बी एस एन एल प्रीपेड नॉर्मल सिम कार्ड, तो हम कस्टमर केयर से बात करेगा तो होगा क्या। आप लोग देखिए आपको इंडिया ही वापस आना पड़ेगा, आके जो बी एस एन एल इंटरनेशनल सिम कार्ड लेके वापस जाना होगा। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कस्टमर केयर वेबसाइट में जाके भी आप बात करो, अगर मैं झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आप लोग कोशिश करें वहाँ पर नेटवर्क रजिस्टर करने के लिए तो आज के भी इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप लोग समझ जाइए आपको इंडिया वापस आना होगा। तो एक्टिवेट करने के बाद भी देखिए बहुत सारे लोग इंटरनेशनल से जो सिम कार्ड भी वहाँ पर कुवैत में लेके जाता है, ठीक है, फिर भी कनेक्ट कर नहीं पाता, रजिस्टर कर नहीं पाता, कैसा रजिस्टर करते स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊँगा और कितने का रिचार्ज करना है कुवैत में, और रिचार्ज करेगा तो मंथली पैक डालना होगा, नहीं होगा ना मेन मेनू में बैलेंस रहेगा तो भी इंटरनेशनल और लागू हो जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप लोगों को। एंड सबसे पहले हम लोग कुछ सेटिंग बता लें तो सेटिंग करने से भी बहुत सारा नेटवर्क आ जाता है, अगर नहीं आएगा तो आपको इंडिया में वापस आना होगा और जो सिम कार्ड बोला आप लोगों को वही सिम कार्ड लेके जाके एक्टिवेट करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कनेक्शन में जाता हूँ। ठीक है, कनेक्शन में जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क में जाता हूँ, मैं हमेशा ये सब सेटिंग के बारे में बता के आ रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी नेटवर्क पकड़ने के तो डाटा रोमिंग ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, इसका हमेशा ऑन रखिए, इंटरनेशनल में सफ़र कर रहा है अब्रॉड में, नेटवर्क में आके एल टी 3G 2G ऑटो कनेक्ट 5G ऑटो कनेक्ट में रहने दीजिए, ये जो सिम कार्ड लगा के रखेंगे आप, ठीक है, ऑटोमेटिक कनेक्ट करते रहेंगे सिम कार्ड को ऑटोमेटिक। ठीक है, और सिम कार्ड स्लॉट में एक नंबर बी एस एन एल सिम कार्ड को लगा के रखिए और सिम एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके मेमोरी कार्ड निकालिए और सिम कार्ड को भी निकाले स्लॉट 1 में लगा के ऑन करिए। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर में आता हूँ और ऑटोमेटिक पर क्लिक करता हूँ,
यहाँ पर सारा नेटवर्क आ जाएगा। जैसे कि मैं इंडिया से बता रहा हूँ, जैसे कि मैं कुवैत का बात बता रहा हूँ, कुवैत में जो भी नेटवर्क आपको सामने दिखाई देगा BSNL से आप कनेक्ट करिए, रजिस्टर नहीं होगा तो समझ लीजिए आपको इंडिया आना होगा। और फिर भी 2-3 दिन बाद आ जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम में आके मैसेज करिए। तो जैसे कि मेरा सामने, मैं इंडिया से करके बता रहा हूँ आप लोग, वो जो भी वहाँ पर नेटवर्क आपको दिखाई देगा, आपको कौन सा नेटवर्क से कनेक्ट करना है, वहाँ पर कुवैत में STC फॉर्मूली विवा करके ओरेडू करके जो इतने ओरेडू, ये दो नेटवर्क से आप जैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, इंडिया में हूँ, मैं देखा था आप लोग को एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, आपको रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क सिम ऐसा ही लिखा आना चाहिए। इसके बाद इसको ऑटोमेटिक में कर दीजिए रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो ऑलो नॉट डज नॉट ऑलो नेटवर्क रजिस्टर्ड फेल दिखाता है, तो समझ लीजिए नहीं होगा। और नहीं हो रहा फिर भी मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके रिफ्रेश कर लीजिए, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं होगा तो आपको इंडिया वापस आना होगा, ठीक है। अभी एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट BSNL वेबसाइट में लेके जाएगा। जैसे कि इस लिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, वेबसाइट है नीचे जो लिंक, BSNL ऑफिस में ऑफिशियल साइट में चला जाएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कितना करके कॉल रेट करता है कुवैत से, अगर इंडिया कॉल करेगा आपको कितना क्या है, सारा जानकारी आपको अभी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट में जाके आपको कुवैत ढूंढना है, कुवैत का मैं हम लोग एक्टिवेट करना है। जैसे कि कुवैत हमको मिल गया, और कुवैत पर जैसे क्लिक करूँगा, इसके बाद ये रिफ्रेश हो रहा है और फिर से करना पड़ेगा, ये मैं नया पेज खुला अभी फिर से, और सिलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद कुवैत, कुवैत जैसे मैं क्लिक किया, और इसके बाद सिलेक्ट वन में क्लिक करना है। देख रहे हैं आपको मैं बुलाना, ओरेडो विदेनिया जैन फॉर्मूले MTC वोडाफोन, ये सब से आप कनेक्ट कर सकते कुवैत के अंदर, ये बता रहा है, रजिस्टर कर सकते, ठीक है। जैसे कि ऐसा मैं क्लिक किया, फिर सिलेक्ट वन में जाने का, KWD वहाँ पर देना, क्या लगता है आप लोग देख लीजिए KWD का मतलब कुवैत में कितना करके लगता है वो। तो इसके बाद जैसे कि ओपन करता है, आपके सामने पूरा लिस्ट खुल जाता है। देख रहे हैं आपको लोकल कॉल में 0.25 आप लोकल में कॉल करेगा, तो इसके बाद आपको इनकमिंग मैसेज 0.15 दिखा रहा है, ठीक है। कितना करके काट रहा है इंडियन मनी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में आके बताइए कुवैत का क्या होता है, दिनार क्या है, दिरहम तो दुबई में लगता है। इसके बाद SMS चार्ज आपको 0.15, नेट यूज़ करेगा तो 0.05 KWD 10 KB के हिसाब से कटेगा, ठीक है। इसके बाद कॉल बैक टू इंडिया, अगर कॉल कुवैत से इंडिया कॉल कर रहा है 0.86 कटेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग चाहे तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। देख रहे हैं आपको वेबसाइट है utania.com का, उसके ऊपर देख रहे हैं कस्टमर केयर, आप इंटरनेशनल वहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना रेट कितना क्या आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आपको मैं अभी, अगर BSNL सेल्फ केयर ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। BSNL सेल्फ केयर ऐप से बहुत सारा आपको जानकारी मिल जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल में आपको, अगर आप लोगों का एक्टिवेट हो गया है, रिचार्ज करना है अभी वहाँ पर, इंटरनेशनल पैक मंथली भरना है नहीं भरना है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इंटरनेशनल में जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैं बैक करता हूँ, इंटरनेशनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है इसको रजिस्टर करके। जैसे कि अंदर जाएंगे आप, सारा पैक दिखाई देगा इंटरनेशनल का, ये मंथली 10 दिन 12 दिन 1 दिन के लिए ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप 1 दिन के लिए जा रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, 5 दिन के लिए डाल सकते हैं। वह आपका हैंडसेट में वह आपके सिम कार्ड में टॉपअप भी हैगा तो फिर भी टॉक टाइम भी है तो भी हो जाएगा BSNL, अगर आप एक बार एक्टिवेट हो गया तो सिम कार्ड, ठीक है। इसके बाद BSNL का और एक ऑफ़र चालू है, आपको मैं दिखाता हूँ। देख रहे हैं आपको 220 का 220 रुपये टॉप टाइम, 500 रुपये 500 रुपये फुल टॉप टाइम, ठीक है। 550 का 550, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें आप लोग, अगर आप इंटरनेशनल में, आप लोग कुवैत में सिम कार्ड को एक्टिवेट कर लिया, अभी आप लोग सोच रहे हैं तो बैलेंस रहना चाहिए मोबाइल में, बैलेंस नहीं रहेगा तो कैसे कॉल करेंगे, तो आपको मिनिमम बैलेंस ऑफर चालू, देख रहे हैं आपको 500 रुपया का 500 रुपया टॉप टाइम आएगा। इसमें भी वैलिडिटी दिया है क्या, इसमें वैलिडिटी दिया नहीं, इसमें कल देख रहा था, इसमें
वैलिडिटी 7 दिन के लिए दिखा रहा था। आज तो 500 का 500 आप डाला सकती है, मतलब लाइफ टाइम आप जब तक यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो गया तो ख़त्म, मतलब इसमें कोई वैलिड दिया नहीं गया था। 500 के टॉप टाइम, फुल टॉप टाइम 500 रुपया, 550 के 550 मिलेगा आपको, 500 का 500 मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इंटरनेशनल एक्टिवेट करने के बाद ये टॉप अप डाला सकते कुवैत के अंदर, और कॉल करेगा इंडिया में ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। आपको मंथली पैक का भराने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा जानकारी होगा तो मेरे इंस्टाग्राम में आके मैसेज करके भी बात कर सकते, ठीक है। और मैं हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो में हमेशा लेके आते रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।